अरे 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 नहीं, अरे नहीं भाई साहब, रहने दो, कोई दिक्कत चल रहा है। अरे भाई साहब देखो, बंटी भाई मैं बता रहा था ना, तो गाइस ये है हमारे चिट्टे कबूतर। गाइस कल का बासिर अहमद बैटल जी ने भी सही बताया था, जो मैंने आपसे कहा था ना कि हम अपनी बर्ड्स की जो है अंडे वाली बर्ड्स को देखेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका एक और फिर से वीडियो में। मेरा नाम है जुनैद सरी और आप देख रहे हैं जुनैद ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत होती है अपनी प्यारी जंगली फिशेस के साथ। तो गाइस जंगली फिश काफी अच्छी लग रही है, काफी एक्टिव लग रही है, मुझे लग नहीं रहा था दोस्तों। हाँ ये इन्हें खाएंगी तो नहीं है जंगली फिशों को? नहीं नहीं, शार्क जैसे नहीं नहीं, ये नहीं खा सकती, क्योंकि गाइस मैं भी ये सोच रहा था ना कि खा लेंगी, मैंने सोचा यार ये खा लेंगी, मैं बहुत घबरा रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो रिस्क लेकर देखते हैं। तो हमने रिस्क लिया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जी बिल्कुल ठीक ठाक है, इन्होंने नहीं खाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारी सॉफ्ट फिशेज नहीं, सॉफ्ट फिशेज जो होती है खाती नहीं है, अगर ये सॉफ्ट नहीं होती ना तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर ये खा लेती, जैसे हमारी वो बेटा फिश थी जो हमें फाइटर गन थी ना, तो गाइस वो तो हमला कर देती, वो इन पर मतलब खाती नहीं, हमला कर देती। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारी बिल्कुल एक्टिव लग रही है, और इतने दिनों तक ये हैं नजर न लगे, लेकिन ये इतने दिनों तक हैं बहुत बड़ी बात है गाइस, क्योंकि पिछली बार जो लाए थे ना वो मर चुकी थी। चलो अनस भाई ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके पेट्स वेट्स को देख लेते हैं कुछ। गाइस ऊपर जाने से पहले एक काम कर लेते हैं, जो मैंने आपसे कहा था ना कि हम अपनी बर्ड्स की जो है अंडे वाली बर्ड्स को देखेंगे, तो गाइस आज देख लेते हैं, बहुत दिनों से देखा नहीं था। कुछ दोस्त कह रहे थे नहीं मत देखो जुनैद भाई, गाइस देखे ना देखे, समझ नहीं आ रहा, एक बार और बताइए गाइस, क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे थे कि मत देखो जुनैद भाई, कुछ आप कह रहे थे कि देख लो, तो क्या करूं गाइस, एक और बार कमेंट्स करके बता दीजिए, नहीं तो मैं देख लेता हूं और टच नहीं करूंगा दोस्तों, दूर से दूरी देखूंगा। इस वक्त तो गाइस मैं केज के अंदर आ चुका हूं, और यहां पर हमारी बजीस अंदर बैठी है गाइस, देखिए 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 अंदर है गाइस, लेकिन इनको मैं देखूं या नहीं देखूं समझ में नहीं आ रहा है। एक बजीस, ओए 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 ओए, दूर से दिखा दूं क्या गाइस, गाइस शायद अंडे हैं, शायद अंडे हैं गाइस, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, खुशी एकदम चूर चूर हो जाएगी गाइस, अगर यहाँ पर जो ये अंडे फेंकने लग जाती है ना इनको, ज्यादा मैं देखता हूँ तो इनको पिछली बार मैंने देखा था, तो इसलिए नहीं देखता हूँ गाइस, कल को देखूंगा अगर आप कमेंट्स करके बताओगे तो। तो चलिए फिर आज नहीं देखते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर सारे पेट्स को देखते हैं। जैसे दोस्तों ये भुट्टे उठा लेता हूँ, ये भुट्टे ले लिए थे मैंने अपने पेट्स के लिए गाइस, तो हमारे जो रैबिट्स को गाइस ये चीज़ें बहुत पसंद आती है ना, तो मैंने उनके लिए ले लिए थे। नीचे अपने जो जैक भाई है ना उनको भी खिला दिया है दोस्तों, ये गाइस तो पहुंच गए, ओए ओए सारे पेट्स आ गए, इनको बहुत पसंद है ये, ओए चलो उधर को करके कर देता हूँ, अपना आप खा लेंगे। देखिए गाइस, ओए ओए पसंद आ गए गाइस, घास बहुत दिनों से खिलाए जा रहे थे, कभी कभी दोस्तों हमें ये सब चीज़ें भी खिलानी चाहिए। उधर देखिए डक्स बेबी, ओए डक्स बेबी पानी पीने में लगे हुए हैं, बस इनको तो और कुछ चाहिए नहीं, बस पानी ही पानी चाहिए। अम्मी उधर मेल भाई, उन्हें खोल दिया, तो उधर बड़ी वाली डक्स को तो अम्मी ने बंद कर दिया है ना, इसकी वजह से छोटी वाली डक्स मौज कर रही है गाइस, नहीं तो मेल भाई बाहर होते तो फिर ये दिक्कत में हो जाती ना। चलिए गाइस इनको भी निकाल देते हैं बाहर, बहुत चलो 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 तुम्हारा खाना उधर को आ गया है, और देखिए डक्स बेबी घबरा गए, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इनकी आदत हो जाएगी इनके साथ रहने की, दो तीन महीने तक देखते हैं गाइस, उसके बाद देखते हैं आदत हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। भाई साहब तुम्हें क्या हुआ, और इतने समय चले गए, चलिए गाइस इनको निकाल, अरे अरे डरो मत, अरे 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 रुक जाओ गाइस, गेहूं, हाँ गेहूं रख देता हूँ, अरे और सब आ गए हैं, इतने समय कैसे घुस गया, रुक जाओ मैं निकाल देता हूँ, चलिए गाइस इनको निकाल देते हैं भाई साहब को, वही आ जाओ, छोटे से उसमें से, चलिए आ जाओ भाई, एक गाय सब इनको निकाल देते हैं, यहाँ पर जगह काफी हो गई है, रुक जाओ एक मिनट, इस तरीके से यहाँ से निकल जाएंगे, घबराना मत बस, और यहाँ से ये छोटा इतने से छोटे से होल में पता नहीं कैसे घुस गए गाइस ये, तो आ जाओ भाई आ जाओ इधर को आ जाओ, चलिए अब आया मजा इनको, तो इसे बांध देते हैं, अभी जो है ना हमारी डक्स बेबी का है ना घर, तो उनको डिस्टर्ब होगा, वो बार बार बाहर निकल जाएंगी, रात में दिन में कभी भी बाहर अपनी मर्जी से निकल जाएंगे, इसलिए इसको बांध देते हैं, चलिए इससे बांध देता हूँ गाइस, इसे डक्स बेबी का घर बिल्कुल ठीक कर दिया है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये बांध दी मैंने थैली, अब गाइस ये डक्स बेबी आराम से रहेंगे, और बाकी तो अजूब भाई को बंद करने का तरीका यह है कि अंदर गेहूँ डाल देते हैं, खुद ब खुद चले आते हैं, देखिए देखिए कुछ उधर है, एक भाई साहब उधर है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, भाई साहब अब घर नहीं जाना है क्या, शाम का टाइम हो गया, चलो 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 गाइस देखिए, अरे अरे सब भाई साहब चले गए हैं, बस एक भाई साहब रह गए हैं उधर, आ जाओ भाई आ जाओ, दोस्तों इन भाई साहब को पकड़ लेते हैं, आ जाओ भाई
कहाँ यार हो, गिर जाओगे उधर, चलो 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 जाओ। चलिए गाइस ये भी चले गए सारे के सारे, बहुत मुश्किल हाथ आते हैं गाइस, ये गेहूं में अंदर डाल देता हूँ तब ये खुद बबू चले आते हैं अंदर। दोस्तों इसलिए बंद कर रहा था क्योंकि हमें अपने जोम्बिस भाई को खोलना है। ये खुल गए जोम्बिस भाई, अभी भी कुछ खा लेंगे पी लेंगे गाइस, सीधे पानी पीने चले गए हैं। इनको इसलिए बंद करा गाइस, इनसे लड़ने लग जाते हैं, ये भी बड़े हो गए ना, पहले तो ये कुछ नहीं करते, पहले डरते थे लेकिन अब जोम्बिस भाई से लड़ने लगे हैं ये अजूबे भाई। वैसे 10-15 मिनट तो हो गए हैं गाइस, हमारे मेल भाई उधर पर लगे हुए हैं, इधर डेस्क बेबी को कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ जी आप कुछ मत करना ठीक है डेस्क बेबी को। गाइस उधर जोम्बिस भाई के साथ देखिए कैसे खा रहे हैं क्यूट बेबी। ओए हो, अरे दानिश भाई अकेले अकेले खा रहे हो। देखिए दोस्तों ये देखिए डेस्क बेबी को कुछ भी नहीं कर रहे हैं मेल भाई, एक साथ खा रहे हैं मेल भाई भी, और देखिए 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 कुछ भी नहीं कह रहे ये तो। गाइस आज क्या करते हैं, आज मेल भाई की दोस्ती करवा देते हैं डेस्क बेबी के साथ, तो देखते हैं गाइस उधर है तो ये सब देखते हैं, अगर पकड़ी जाए तो आराम से पकड़ ले गाइस, पकड़ ले आराम से भाई साहब, बस थोड़ी देर अब गए तुम, अब पकड़े गए गाइस, अपने घर में चले गए थे ना तो यहाँ से तो ये एकदम पकड़े जाते हैं ना भाई साहब, बस थोड़ी देर बस आए भाई साहब, जल्दी से आ जाओ। अरे वो है देखो सुनो मेरी बात, अरे सुनो तो गाइस इनको परेशान नहीं करते, परेशान हो रहे हैं शायद। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, दोस्ती नहीं करना चाहते चलिए खुद ही दोस्ती कर लेंगे गाइस, मेरे कहने से दोस्ती नहीं करेंगे ना, तो गाइस कोई बात नहीं है, इनको मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कराना दोस्तों, परेशान हो जाते हैं ना ये। बाकी तो दोस्तों अब धीरे धीरे ठंड आ रही है ना, तो ठंड की वजह से अंधेरा जल्दी हो जा रहा है। कबूतर दोस्तों अम्मी ने खोल दिए थे और अम्मी ने उनको दाना वाना खिला दिया था और अम्मी ने बंद भी कर दिया, अब इस टाइम में खोल नहीं सकता ना दोस्तों, एक आध कबूतर अगर भाग गया तो रात का टाइम होने लगा है ना, अब शाम का टाइम हो गया है। बंटी भाई आराम से घूमते फिरते रहना, पहलवान भाई से लड़ाई मत करना, मुझे पता है तुम्हें भी चूल होने लगी है, तुम भी लड़ाई करने लगे हो, पहलवान भाई से लड़ाई करोगे तो पहलवान भाई बहुत खतरनाक है, उनसे लड़ना मत ठीक है। बंटी भाई सुन भी रहे हो या नहीं? शायद बंटी भाई नहीं सुन रहे हैं गाइस, तो अब हमें फिर से जोम्बिस भाई को खोलना ही पड़ेगा। रुको पहले डंडा ले आता हूँ, कभी मैं ज्यादा जोश मार रहा हूँ। हाँ जी आ जाओ जी जोम्बिस भाई, देखो बंटी भाई मेरी बात नहीं सुन रहे जोम्बिस भाई, अब बंटी भाई को बताओ तुम खुद। गाइस ऐसी मजाक कर रहा हूँ, इनको खोलना है, मैं मजाक में कह रहा हूँ बंटी भाई को, लेकिन इनको खोलना था ना, अम्मी ने एकदम बंद कर दिया था, मैंने फिर से खोल देता हूँ, ये पानी वानी पी लेंगे गाइस, दाना वाना तो अंदर डाल दिया है ना इनका। ठीक है देखिए गाइस, देखिए जरा सी देर में ही पता नहीं क्या हो जाता है इनको, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, वहाँ पर अलग लफड़ा चल रहा है। अरे भाई साहब देखो बंटी भाई, मैं बता रहा था ना पहलवान भाई बहुत खतरनाक है, अब कुछ मत करना। देखिए बंटी भाई जैसे जोम्बिस खुलते हैं ना थोड़े शांत से हो जाते हैं गाइस, बंटी भाई ज़्यादा हमला नहीं करते हैं। फिलहाल तो जोम्बिस भाई उधर चले गए गाइस, और मैं जो है बहुत घबरा गया था, एकदम से इन्होंने हमला कर दिया, मैं वीडियो बना रहा था एकदम से हमला कर दिया। फिलहाल तो गाइस जोम्बिस भाई को बंद कर दिया है, इधर पहलवान भाई बंटी भाई बबली और बड़ी बड़ी डक्स रैबिट्स तो बाहर रहती हैं, ये सब बाहर हैं, बाकी सब अंदर है गाइस। इधर ब्रावो भाई ठंडक का मजे ले रहे हैं, इधर हमारे भाई सब ठंडक का मजे ले रहे हैं, ठंडक में गाइस ऐसा करते हैं ये, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, इनको कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक ठाक है ये। दोस्तों आखिरकार अब बारी आ गई है अपने वो कबूतर के बारे में बताने की। गाइस मैं कबूतर की कॉलोनी के अंदर आ गया हूँ, और कल मैंने आपसे कहा था ना कि एक कबूतर है जो आपको मैंने लास्ट में दिखाया था कि आंख दिखाकर कि कौन सा कबूतर है, इसके बारे में बताओ, इसकी नस्ल के बारे में बताओ भाई साहब। ओ भाई साहब क्या कर रहे हो, चलो हटो गाय जी दोनों को। अरे 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 नहीं, अरे नहीं भाई साहब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं उनकी, देखो अरे सुनो तो मेरी बात तो सुन लोगे, देखो उनकी जगह में तुम जाओगे तो तुम मारेंगे, चलो इधर बैठ जाओ, नहीं उधर को मत जाना, देखो अगर लड़ाई करी फिर देखो तुम्हारा देखो गलत बात हो जाती है। हाँ हाँ जाओ जाओ अपने धर्म में जाओ, अपने धर्म में से इधर को आ रहे हो, हाँ उसके बाद लड़ रहे हो, गलत बात है तुम्हारी। गाइस ये बुड्ढन है, ये थोड़े छोटे हैं इनसे तो ये अपना जो है बड़प्पन दिखा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने ये वाले कबूतर की, तो हमने बताया था ना गाइस आपको कि हम जो है कि ये कौन से कबूतर हैं, तो गाइस ये हैं हमारे चिट्टे कबूतर, ये देखिए ये जो बीच में आंख ऐसी हो रही है ना इनकी, देखिए गाइस अब देखिए गाइस, नहीं परेशान नहीं कर रहे आपको, देखिए गाइस ये जो आंख हो रही है ना गाइस इनकी, ये पहचान होती है सियानेपन की, जो बीच में ये गोल गोल हो रहा है ना, और जो लकीरें हैं ये उड़ान की पहचान होती है गाइस, जितनी लकीरें होती हैं वो उड़ान वाला ज्यादा होता है कबूतर, और जितने ये छोटे छोटे दीदे खतरनाक होते हैं ना छोटे छोटे, तो उससे मालूम चलता है कि ये सियाना कबूतर है काफी। देखिए मैं इनको छू भी रहा हूँ तो कैसे एकदम से इधर उधर जा रहे हैं, बाकी मैं आपको दूसरे दिखाता हूँ, एक मिनट ये वाले देखिए, देखिए ये वाले जो होते हैं उड़ान वाले नहीं होते हैं गाइस, इनकी आंखों से पहचान नहीं, देख लीजिए आंखों से पहचान हो जाती है गाइस, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी ब्लैक आंखें हैं, ना सियानपन नहीं कुछ भी बेचारों में इतना कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, और इनकी आंख बिल्कुल काली ब्लैक होती है डार्क,
तो गाइस इसकी बात कर रहा था, बाकी कुछ भाई साहब ने बताया। गाइस हलकल का बासिर अहमद बैटल जी ने भी सही बताया था और रियान अंसारी ने तो बिल्कुल सही बताया था। गाइस कमेंट्स करके बताइए आपको और कौन से कबूतर अच्छे लगते हैं, आप कमेंट्स करके बताइए, हम वो लेकर आएंगे। और गाइस कबूतरों में बहुत सारी प्रजाति होती है, बहुत अच्छे अच्छे कबूतर होते हैं, मुझे तो बड़ा शौक है। अनस भाई कुछ ज्यादा है मुझसे, मुझे मुर्गों का इनका डक्स वक्स का ज्यादा है, डॉग्स का ज्यादा है, कैट का ज्यादा है, लेकिन अनस भाई को इनका ज्यादा है, तो मुझे भी इनका है लेकिन कम है। लेकिन आप कमेंट्स करके बताना गाइस कौन कौन से आपको कबूतर चाहिए, हम वो लेकर आएंगे। और दोस्तों इन भाई सबका नाम क्या रखना है, अब मैं सोच रहा हूँ गाइस इनका नाम कीड़ा घुस गया तो मैं सोच रहा हूँ गाइस अब कि इन भाई सबका नाम भी रख देते हैं, काफी क्यूट लग रहे हैं गाइस ये भाई साहब, तो इनका नाम रख देते हैं। आप कमेंट्स करके बताना कि इनका नाम क्या रखें। कई सारी कमेंट्स हो गए गाइस, मुझे माफ कर देना, आपको मतलब एक आध चीज अगर बताने चाहोगे बता देना प्लीज, मतलब एक आध चीज ये है कि इनका नाम और कौन कौन से कबूतर लाने हैं वो, ये सारी चीजें कमेंट्स में अगर आप बताना चाहोगे तो प्लीज बता देना। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आएगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलता आप कल को प्राप्त से, बाय। अरे अरे रात हो गई है भाई, डक्स चलो चलो चलो।